सुरुन मिलितनेना तस्मै श्री गुरवे नमः। आविर्भूत सकारुण्यो श्री वामन नारायण रूपानुग प्रवरोधो श्री केशव प्रियो भजे श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रज धामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब एक साथ ऑल टुगेदर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणती अर्पण करता हूँ। तदनंतर मंचस्थासीन श्री वन महाराज नरसिंह महाराज और समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सदभिनंदन। फोन आ रहा है हम लोग रामायण के संबंध में आलोचना कर रहे थे। श्रीपद वन महाराज समाप्त किया मैं इसे शुरू कर रहा हूँ त्रिदंडी महाराज के बारे में। त्रिदंडी महाराज वो सिलीगुड़ी में हमारा मठ है शक्तिगढ़ एक स्थान का नाम वही रहते थे और ऐसे ड्रामा करते हैं। रात में बहुत लोग आए हरी कथा बोल रहे थे हरिश्चंद्र का उपाख्यान सुना रहे थे और जब भी महाराज जी 24 प्रचार में जाते 7-8 बच्चों को साथ में ले जाते छोटे बच्चों को। ये सब लोग बोलते छेले था महाराज लड़के को पकड़ कर ले जाने वाले सब चल महाराज ले जाते बहुत लोग को मठ में ले आए। तो फिर हरिश्चंद्र का वो कथा कह रहे हैं। अब हरिश्चंद्र महादानी थे सपना में विश्वामित्र को सारा संपत्ति दान कर दिया। अब दूसरे दिन विश्वामित्र जी आधम के राजेंद्र में कुछ याद है ठीक से ध्यान करो बोले सपना ने सपना नहीं मैं खुद आया था। हाँ महाराज जी आप ही आए थे दे दो मेरा सब राज्य दान कर दो संकल्प करके दान दे दिया। बेटा जब किसी को कुछ दान देते हो जब तक दक्षिणा न दो तो दान पूरा नहीं होता है दक्षिणा दो। तो बोलते हे कैसी यार खजांची ये विश्वामित्र ऋषि को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दे दो। अरे ढोंगी कहीं का राज्य मेरा हो गया अभी राजकोष तेरा रह गया और खजांची भी मेरा हो गया राजकोष मेरा हो गया तू कहां से पैसा देगा।
अब क्या करें, बोले जाओ कहीं भी व्यवस्था करो, तो ठीक है मैं अपने को पुत्र को पत्नी को, मेरा है मैं अपना, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ठीक है वो बेच करके दो। देखो इधर नहीं बेच सकते, मेरा राज्य है, तुम इधर से कुछ ले नहीं सकते। कहाँ जाए बताया, काशी चले जाओ, ये शिव जी का स्थान है। किया क्या किया, अपनी पत्नी को एक घर में दे दिया भैया काम करने के लिए, बच्चा छोटा था, बच्चा भी यहीं पर रहा, और वो खुद डोम जो लोग मुर्दा जलाते हैं उस मुर्दा घाटी में उसको अपने को बेच दे, देखकर 10,000 स्वर्ण मुद्रा करके उनको दे दिया। मानी सुना रहे हैं ड्रामाटिक स्टाइल से, ड्रामाटिक स्टाइल से सुना रहे हैं। और छोटे बच्चे लोग सो गए, जो महाराज ये सेवक था साक्षी बादशाह महाराज नाम हुआ, मतलब भाई कौन प्रवचन छोड़े, हम लोग को भूख लगी और सोच रहे कर रहे हैं। और हुआ क्या, अब हरिश्चंद्र की ये बेटा था उनका नाम था रोहिदास, वो सांप डसने से मर गया, अब उसको ले गए चलाने के लिए, हरिश्चंद्र उधर के रूप में है और ले गए जलाने के लिए, और रो रही ले गए जलाने के लिए, रामायण में जब भी कोई रावण से कोई बोलते श्री राम नहीं, शत्रु के नाम के साथ श्रीमत लगाओ, केवल राम को श्री राम नहीं कहना है, रावण सब समय राम कहता था, श्री राम नहीं कहा। अब जब ये चला गया इंद्र मन में बहुत लगा, अब क्या किया, किसको बुलाया, हमारे कोष्ठी ये विचार करके देखो, बोले महाराज जी आपके इसमें मृत्यु योग है, राम के इसमें, बोले राम के इसमें मृत्यु योग नहीं, इसके विजय लक्ष्मी का योग है, विजय श्री का, बोले काम करो समस्त ग्रह हमारे इसमें राजभवन में बंदी है, उसको बुला करके हमारे हाथ में जो मृत्यु योग है उसको परिवर्तन करके विजय श्री योग बनाओ और राम के उसमें मृत्यु योग लगाओ। बोले महाराज जी कैसे, बोले कर नहीं देगा, जीवन अभी समाप्त कर दूंगा। बोले करना नहीं चाहते, बोले अच्छा हुजूर मैं कर दूंगा। तो ग्रहों को बुला के लाइए, तभी तो उन लोगों को बताऊंगा इस स्थान पर बैठना है, उस स्थान पर बैठना है। तो क्या किया, बोलते देर है ये है, तो उनमें हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आ गए, ब्राह्मण वेश में आकर के तो बता किसको ये सब ग्रह को लेकर रावण ने भेजा, चला गया जहां पर सब ग्रह बंदी थे, गए जा करके क्या किया, सब मूर्छे जैसे पड़े हुए थे, इधर तो ब्राह्मण वेश में गए, उधर जाके हनुमान बन गए और सबको पिटाई कर रहे हैं, हो सकता है भाग इधर से भाग जाओ, सबको भगा दिया, सब ग्रह को भगा के हनुमान भी चले गए। फिर ब्राह्मण में से आके बोले क्या हुआ, बोला अभी वो लोग आ रहे हैं, चले गए। अब जब रावण आया क्या हुआ, बोले ब्राह्मण बोल अभी आ रहे हैं, ब्राह्मण आए गए, मैं ब्राह्मण भेजा ही नहीं मैं, बोले ब्राह्मण आए जाके देखा एक भी ग्रह नहीं है, बोले हो ना उस मरकट का बदमाशी है, आने दो उस मरकट को मैं देखूंगा, ये पहले काम कर लूं,
बस इसका मरकट को देखूंगा, कभी हनुमान नहीं होता, मरकट बोलते थे। बस अब युद्ध हुआ, रावत तो भयानक शक्तिशाली, बहुत घनाघोर युद्ध हो रहा है। विभीषण आके कान में बता दिया कि ऐसे ये नहीं मरेंगे, इसमें नाभि पर अमृत है, उस अमृत को पहले सोचना पड़ेगा। और कहीं कहीं ये बताया, ये सब समय सीता का चिंतन कर रहा है, सीता देवी हृदय में उनका चिंतन करते उनके अभिष्ट है, इसलिए मार नहीं सके, उनके ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि ये बेचैन हो जाए, तभी वो मरेगा। इसलिए क्या किया, फिर उसको बाण शोध किया अमृत सोचने के लिए, उसको किया एक साथ बहुत सारा बाण संधान किया, रावण का ध्यान दिया, बोला ओ विभीषण बोल रहे हैं पर ठहर जाते हुए दिखाऊंगा। अब जब बीबी रामचंद्र के तीर से विद्ध होकर श्री राम, अब पहली बार श्री राम बोला, अब जब गिर पड़े रथ से तुरंत प्राण नहीं जाता है, अब राम ने लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, उससे कुछ शिक्षा लेकर के आओ। तो लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी कि बदमाश के पास जाओ, नहीं जाओ, गए जाके बोला मेरे भाई ने भेजा मुझे, कोई शिक्षा दीजिए, तुम्हारे गुरु जी ऐसे सिखाया, कोई तुम्हारे गुरु को एटिकेट नहीं सिखाया। लक्ष्मण मन खट्टा हो गया, आने तो इच्छा नहीं थी, राम का आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते, आके बोला भैया ये बहुत घमंडी है, बोले ये बहुत घमंडी है, पर तू कहा गया था, सिर के साथ, सिर के सामने नहीं जाना चाहिए। तब विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं गणिन तत्त्वदर्शिन। तद विधि, तद अर्थात जगत में दो पदार्थ, तत् पदार्थ तन पदार्थ, तत् पदार्थ भगवान और तन अर्थात जीव। तद विधि भगवान को जानने के लिए जिनके पास जा रहे हो उनको पहले प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो, प्रश्न चैलेंज के नहीं, यदि मैं योग्य हूं तो मेरे लिए कहा जाए, और सेवा करो तब आप आत्मज्ञान देंगे। सिर प्रणाम कहाँ ये किया जाता है, सिर पर प्रणाम किया जाता है ना, चरण में, जैसे महाराज बता रहे थे रावण क्या किया, मैं सिर नीचा नहीं करूंगा, कोई लठा करो सिर पर ले लेते प्रणाम, ये प्रणाम नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप आया था इंडिया में, जो ताजमहल गए थे, ताजमहल दरवाजा छोटा है, पर ट्रंप कहीं पर सिर नहीं झुकाता है, इसलिए उस दरवाजा के उधर लेके दूसरे झोल पे गया था, वो बोले सिर नहीं झुकाता है तो क्या होगा, अमेरिका झुक जाएगा। इसलिए ऐसे ही क्या किया, प्रणाम, तब लक्ष्मण जाके प्रणाम किया, बोले मेरे भैया ने भेजा मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब बता देखो, शुभस्व शीघ्रम अशुभस्व काल हरणम, जो काम अच्छा काम करना है अभी तुरंत करो, देर नहीं करो। बोले मैं शुभ काम में देर करके पछता रहा हूं, बोले मुझे वरदान था, मैं स्वर्ग का सीढ़ी बन सकता, जिन्ना बना स्वर्ग जा सकता था, मैंने आज नहीं, काल ऐसे करते करते मेरा काल आ गया, और पहले इस काम को कर लेता तो युद्ध शुरू था, सब लोग को लेकर सबके चले जाते, किया नहीं। और जो काम बुरा है उसको टालते रहो, उसको जल्दीबाजी मत करो, आज नहीं काल, काल नहीं परसों, परसों नहीं वर्षों बिता दो। तो ऐसे ही जब प्रहलाद महाराज अपने द्वैत मित्र को सुना रहे थे, देखो कौमारात आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभो मानुष जन्म तदप्रथमार्थदम्। देखो बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, दुर्लभो मानुष जन्म कौमारेत आचरेत प्राज्ञो, बचपन से ही भजन करो। लोग बोल रहे बचपन से भजन क्या करेंगे, अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं,
हम बड़ा होंगे, शादी करेंगे, संसार भोगेंगे, फिर भोग करके त्याग करेंगे, क्या जरूरत है? धन्यवाद। तब प्रहलाद भाई नहीं, पर बच्चे लोग कह रहे हैं आज करो सो काल कर, काल करो सो परसो, क्यों खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है बरसो। आज जो करना काल करो, काल नहीं परसो, अरे अभी तो जिंदगी बरसो बाकी है। प्रहलाद भाई नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो काल करना चाहते हो आज करो, जो आज करना चाहते हो अब तुरंत करो, कब मौत आ जाए किसी का कोई बता नहीं सकते। देखिए महाराज परीक्षित के 7 दिन आयु गारंटी था और हम लोग का 7 सेकेंड भी गारंटी नहीं है, तो बता सकते हैं कि मित्र दिन जीऊंगा? देखो तो कहा, जो लोग एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम सब बना सकते हैं, चांद में जाके मनुष्य बसाने का चिंता कर रहे हैं, और एक छोटा सा बैक्टीरिया वायरस से कहां कैसे घुसता है, उनको खाली चीज दिखता भी नहीं, उसको मार नहीं पा रहे हैं। देखो तो ये अमेरिका में करीब 40,000 लोग मर गए, स्पेन में करीब 28,000, इटली में, स्पेन में 23,000, इंग्लैंड में 20,000। देखो तो कोई पता था ऐसे मरेंगे लोग, बेमौत के मर रहे हैं, ऐसे कब किसी का मौत आ जाए। ये सब सामूहिक कर्म है, ये कर्म, कर्म प्रधान विश्व करी रचा, ये कर्म के वजह से सब किसी का सामूहिक कर्म ऐसे मर रहा है, इसलिए कोई बता नहीं सकते कब किसका मौत हो जाए। रावण बोल रहा है जो अच्छा कर्म तुरंत करो और बुरा कर्म को टालते जाओ। हम लोग पहले पहले क्या करते थे, हम लोग दिल्ली कलेक्शन जाते थे जन्माष्टमी के लिए, ब्रह्मा जी गए, मैं तीर्थ सब लोग गए, उधर जो चित्तरंजन पार्क है कल दिल्ली में कलकाजी जी के पास, उधर बंगाली कॉलोनी है, उधर हम लोग जाते थे। तो एक जगह में गए, मेरे साथ एक रघुनाथ प्रभु था, जाना तो नहीं जाना, सार महाराज जैसे हम दोनों गए एक जगह में, कोई कोई अकेला, कोई दो दो जाते थे। एक डॉक्टर के घर गए, उनका नाम डॉक्टर मजुमदार, वो एमएस था, मास्टर ऑफ सर्जन सर्जरी, उनके घर पर गए भिक्षा के लिए। हम लोग यंग है, बताया महाराज जी आपने बहुत गलत काम कर दिया। क्या गलत काम किया? बोली ये क्या किया आपने, इस उम्र में सब छोड़ के बाबा बन गए, साधु बन गए, शादी किया? बोले नहीं शादी तो किया नहीं, अरे तो गुरुवत हो गया, शादी करके बाल बच्चा पैदा करो, भोगो, जब इंद्रिय सत्य न हो तब जाके त्याग करो। और त्याग कहाँ रहा, इंद्रिय जब कुछ कमी नहीं कर सकते, अपटु है, त्याग कहाँ रहा। मैं तो डॉक्टर साहब, मैं तो जो हो गया हो गया। बोले वापिस चलो, नहीं वापिस नहीं जा सकता। बुलेट बंदूक से निकल रहा है, तीर धनुष से निकल है, वापिस नहीं ले जा सकता है, जो किया तो सो किया। आप जैसे मुझे पहले ऐसे कोई उपदेष्टा मिल जाता तो शादीशुदा करने, बच्चा पैदा करके तब आते, तो गलती हो ही गया इस जन्म की, इस जन्म तक गया, मिट्टी का तेल हो गया और कोई उपाय नहीं। फिर उससे तरह बात किया और कोई पूछा उत्तर दिया और अच्छा लगा। फिर उनको पूछा आपको घर में कौन कौन है, मैं मेरी पत्नी और 2 बच्चे, जोड़ुआ बच्चे। क्या कहे, 9 में पढ़ रहा है, क्या करोगे? बोले 10th के उन लोग को जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा दिलवाऊंगा, जिसमें नीट परीक्षा होती है, उसमें एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा। बोले मेरा तो भाई है, उसको इसमें एस्टैब्लिश कर दूंगा। बोले डॉक्टर साहब बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। गलत काम कर कैसे? बोले अरे छोटे छोटे बच्चों को इसे स्कूल भेज रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे को, अभी क्या है, जो शादी करे उसी करे, फिर 60 साल हो जाएगा, फिर इसको स्कूल में भेजो। 60 साल में जाके स्कूल में पढ़ के डॉक्टर बन सकता है ना, इंजीनियर बन सकता है? बोले क्यों नहीं, अगर मैं 60 साल के बाद भजन कर सकता हूँ आपके निर्देश के अनुसार, तो आपके बेटे 60 साल के बाद स्कूल में जाकर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? हो ही नहीं सकता है।
हम बोले आप डॉक्टर है, डॉक्टर ही परामर्श दे सकते हैं, परमार्थी विषय आप अंध है नहीं दे सकते। यदि आपके बेटा 60 साल में जाके स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, मैं 60 साल उम्र में आकर के मठ में भजन कैसे कर सकता हूँ? ये सब बचपन से करना है। रावण दिखाया कि जो कर अच्छा काम तुरंत करो और बुरा काम को टालते जाओ। फिर करके अब व्यवस्था हो गया, उनके रावण के नाना माल्यवान और कुछ लोग आए ये लंका राज्य को समर्पण करने के लिए। भगवान राम ने कहा नहीं, मैं राज्य का लालची नहीं हूं, मैं राज्य लेने के लिए नहीं आया, मैं तो अपने वंश का आन रखने के लिए लड़ाई लड़ी। अगर मेरी पत्नी को ये अपहरण नहीं करता, ये युद्ध का कोई जरूरत नहीं था। एक काम करो, मैं विभीषण को अभी राज्याभिषेक कर देता हूँ। विभीषण को राज्याभिषेक किया, नगर के अंदर प्रभु रामचंद्र नहीं गए, क्योंकि उनको वरदान में था किसी नगर में जा नहीं सकते। इसे लक्ष्मण के द्वारा भिजवा करके उनको राज तिलक करवाया। अब बारी आई सीता देवी की। सीता देवी को लाने के लिए सोने का पालकी बना करके विभीषण व्यवस्था किया, अब सीता जी आएंगी। सीता जी तड़प रही है, मुझे कब बुलाएंगे, रावण मर गया, हमें क्यों नहीं बुलाया, छटपट छटपट आ रही है। ठीक है, उनको सांत्वना दे रही है, ठहरो, ये राजनीति है, ये कुछ मर्यादा के ऊपर चलना पड़ता है। बेटी तो जाएगी, चिंता क्या है, तुम प्रभु के पास जाएगी, पति के पास, फिर अपने घर जाएगी, चिंता मत करो, ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। और विभीषण को भगवान एक कल्प का आयु दिया, यानी 71 दिव्य युग, 284 युग का आयु दिया, इतने दिनों राज्य करेगा। ध्रुव को दिया था 36,000 साल का, भगवान राम स्वयं 11,000 साल का, कृष्ण 125 साल, महाप्रभु 48 साल, इधर इसको दिया एक कल्प, माने ब्रह्मा का एक दिन। अब जब व्यवस्था हो गया, विभीषण बोला, बोले नहीं, उनको पैदल आने के लिए कहो। सब अवाक हो गए, विभीषण, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान, जब अवाक हो गए, ऐसे क्यों? बोले ये सबकी माँ है, जिनके लिए लोग जीवन दान किया, तो देखे अपने किसके लिए क्या उत्तर देखने दो। तब बताया जाके सीता देवी को पैदल चलने के लिए, प्रभु आदेश दिलाने के लिए। लक्ष्मण तम तम आ रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जब नजदीक आए, ठहर जाओ, तुम इतने दिन ये राक्षस के घर में रहा, तुम ये पवित्र हो, इसका प्रमाण दो। अब करें क्या, अवला नारी, अब क्या करेंगे, समझ नहीं पा रही है, चुपचाप हो गई, सन्न हो गया। तो लक्ष्मण, देखो तुम्हें हमारे एकमात्र मित्र हो, सब समय तुम मुझे मदद किया, तुम्हारे भाई को मदद किया, देखो मैं तुम्हें कुटु कथा बोला था, भरत का गुप्तचर, और भर राम मर जाए और तुम मेरे साथ उपभोग करोगे, इसके कारण मेरा अपहरण हुआ, युद्ध हुआ, मेरा चिता जला दो, उसमें प्रवेश करूं, और कोई जीवन रख के क्या करूंगी मैं, और कोई उपाय नहीं है। लक्ष्मण तम तम आ गए, विद्रोह कर दिया, भैया क्या क्या रहे हैं आप, ये परम शादी जी इधर खाया पिया ऐसे दिन रहा। लक्ष्मण असल सीता को वापिस लेने दो। ले क्या, ये नकली सीता है? बोलते हाँ। कैसे? जब तुम लकड़ी और फल कंदमूल लाने गया था, मैं पंचवटी वन में अग्नि को आह्वान करके सीता को बोला, देखो सीता अभी मुझे फाइनल लीला करनी है, तुम्हें कुछ दिन अग्नि के पास रखूंगा, बोले प्रभु जैसी आपकी इच्छा है, वैसे करके अग्नि को समर्पण कर दिया। अग्नि से छाया सीता कहो या माया सीता प्रकट हो, उसको तो वापिस करने अवसर सीता लेना है ना। तो प्रश्न हो सकता है, सीता भी परम सती है, ये परम सती हो करके अग्नि देव एक पूर्व पुरुष के पास कैसे रही, वो क्या है, वो अग्नि के पास नहीं रही थी। जैसे आप लोग मथुरा आए कार से आए, कोई कार से आ सकते हैं, कोई फ्लाइट से आगरा होकर फिर आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं,
टैक्सी करके आ सकते, उबेर से, ओला से, बस से, कैसे भी आ सकते, माध्यम है। ऐसे ही सीता देवी अग्नि के माध्यम से कैलाश में जाकर पार्वती के पास रही थी, अग्निदेव के पास नहीं रहा। इसका चैतन्य चैतन्य कविराज गोस्वामी इसका खुलासा किया है। अब जब आए आग जला दिया, सीता देवी बोले हे अग्निदेव, अगर मैं कभी भी जिंदगी में प्रभु राम के सिवाय किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया, आप मेरे लिए शीतल हो जाए। हे अग्निदेव, जब मैं विवश थी अबला नारी रावण में अपहरण किया, मैं कभी किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया, आप शीतल हो जाए। हे अग्निदेव, मैं स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को कभी चिंतन नहीं किया, कभी नहीं देखा, आप मेरे शीतल हो जाए। तीन बार प्रणाम किया, परिक्रमा किया, जी अग्नि प्रवेश किया, अग्नि देवी सीता को लाके दिया। अग्निदेव बोल रहे हैं राम राम, ये सीता परम पवित्र है, मैं सब जगह में रहता हूँ, यदि आग न हो कोई बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंग हजम करते हैं, ये आग कराती है। हमारे यदि आग शरीर में ना हो, शरीर कोलैप्स हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। भाई बताया ना, हाथ ऐसे कर दिया, राम नाम सत्य हो जाएगा। और 10 दिक्पाल आके बताया ये परम पवित्र है, वायु देवता के बताया है, श्री राम मैं सर्वत्र रहता हूँ, मेरे साथ जी नहीं सकते, सीता परम पवित्र है। दशरथ महाराज आए, आके बोला परम पवित्र है, तब प्रभु उसको ग्रहण किया। अब जाना है वापिस। अब भगवान क्या किया, हनुमान को पहले जाओ, हनुमान जाके तुम भरत को सांत्वना दो, मैं अभी आ रहा हूं। 14 साल बीत गया, नहीं तो ये हम नहीं मरते। और हमारे वशिष्ठ ऋषि भरत समझा अभी 14 साल हुआ नहीं, मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, कभी बता दूंगा। अब आए हनुमान जी, राम देर क्यों किया, ये पुष्पक विमान से, ऐसे पुष्पक विमान था जो पहले उनका मालिक था कुबेर। रावण की 2 पत्नियां थी, एक केशिनी जिसके गर्भ में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, दूसरे मारीसना क्या था मैं भूल गया नाम, ईड़बीड़ा के गर्भ से कुबेर हुआ था, जो देवता के वित्त मंत्री हैं, उनके पास ये था। रावण जब बड़ा हुआ जबरदस्त छीन के ले लिया। वही ऐसे विमान है जैसे हम लोग विदेश जाते हैं, उसे ऐसी एयर कंडीशन है, वो ऐसा नहीं है। वो एयर कंडीशन तो है, जैसे टेम्परेचर मांगे देंगे, 10 जन का सीट ऐसे होगा, 100 जन 100 जन, 1000 1000 सीट हो जाएगा। इस प्लेन में जितने सीट का सीटिंग कैपेसिटी है तो बढ़ेगा नहीं, सीट घटा सकते उठा के अलग रख, लेकिन ये नहीं होगा। तो ऐसे प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण, बहुत से जम्बुवान, सुग्रीव सब आ रहे हैं। लक्ष्मण को पहले भेज दिया, क्यों देर किया, भरत दास जी से मिलके आना था। और सब लोग देख रहे हैं, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। और हनुमान गया कहाँ, नंदीग्राम, अयोध्या में नहीं। लक्ष्मण सॉरी भरत प्रतिज्ञा किया था, मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं नंदीग्राम में रहूंगा, आप जब आएंगे तो आप ही के साथ में जाऊंगा अयोध्या में। सब देख रहे हैं, वशिष्ठ भी उधर ही है, सब लोग जानते हैं राम पहले आएंगे नंदीग्राम। देख रहे हैं वो विमान आ रहा है, जब बचपन में थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, कई एरोप्लेन देख लिया, अरे अरे उड़ा जहाज हवाई जहाज, उधर तो एरोप्लेन देखता ही नहीं। उधर पास में भारत सरकार एक एयरबेस है कलाई कुंडा, सब अंडरग्राउंड है, कुछ ऊपर था, पाकिस्तान युद्ध के बाद पूरा मिट्टी ढक दिया। वो कभी कभी आता था जेट, तो हम लोग देखते आनंद, कितना आनंद होता था। ऐसे सब का आनंद हो रहा है, विमान आ रहा है, जब थोड़ी देर सुप्त आने वाला है तो भरत से पूछ रहे हैं वशिष्ठ, तुम इसे जानते हो, हाँ मैं जानता हूं इसको, कैसे, तब बताया जब लक्ष्मण को शक्ति से लगा था ये जड़ी बूटी ले जा रहे थे, मैं सोचा कोई दस्यु है, देखता है, मैं इनको गिरा दिया था, इसलिए जानता हूं, इसलिए हनुमान को भेजा।
आए। फिर क्या किया, श्री राम एवं भरत आपस में मिले, जहां पर मिले थे बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद पेड़ का नियम है, उस झुरिया निकलती है आके जमीन पर लग के, फिर उसमें क्या होता है, तना बन जाता है, उधर नियम है। और जितनी झुरिया निकलेगी मिट्टी स्पर्श नहीं करेगा, उस पेड़ में अपने आप लपेट जाएगा, लगता है आलिंगन करके रखा है। कभी विश्वास जाइए देखिए, और देखिए तना बनता है प्रमाण के, आप जाइए भंडी वन में देखिए उधर, ओ अगर लग रहा है। यदि अधिक देखना चाहते हैं, कलकत्ता में शिवपुर बोटानिकल गार्डन है, उधर एक बरगद कितने ये फैला हुआ है, कौन असर उनका जड़ समझ नहीं सकते हो इतना। इसी बात कम समय देखना चाहते हैं, मैं जब पूर्वाश्रम में था, पढ़ा था स्कूल, हाई स्कूल में, उधर इतने बड़ा बरगद का पेड़ है, हम लोग उसमें खेलते थे, झूलते थे पकड़ करके। सचिन नंदन श्याम सुंदर कौन कौन जाके देख के आया, मुदा सब देख जाओ, इतना विशाल एरिया में पता चलेगा। इसलिए फिर क्या हुआ, जाके भरत का लक्ष्मण राम का जटा कटवाया, कटवा करके अयोध्या लाए, फिर राम का राज्याभिषेक। उस राज्याभिषेक में ब्रह्मा शिव सब वेश बदल के आए, और प्रभु तो पहचान लिया, अब देंगे ऐसे माला, बोले इसको बुला, ऐसे बुला रहे रावण ये शिव जी को, मुझे बुला नहीं करे, ऐसे दे दिया माला, दोनों मतलब एक तो दूसरे को तो मतलब तुम एक ले लो और क्या करोगे। अब क्या किया, अब कुछ बोल नहीं सके, ऐसे ब्रह्मा जी को शिव शब्द को बांधा दिलवाया रावण श्री रामचंद्र अपने हाथ से, लेके राज्याभिषेक हुआ। अब सब लोग आनंद से रहने, इसके बाद क्या हुआ फिर अगले कल। अब इसमें दिखाता हूं, जिसके मंगाया हम लोग अब तक जानते थे भगवान क्या करते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामी युगे युगे। परित्राणाय साधु नाम, साधु को परित्राण करने के लिए और असुरों को विनाश करने के लिए भगवान युग युग में अवतीर्ण होते हैं, प्रत्येक मन्वंतर में आते हैं, लेकिन मन्वंतर 14 मन्वंतर भगवान 12 रूप उनके आते हैं, क्योंकि 52 देव 3 बार आते हैं। अब हुआ क्या, इसी वैवस्वत मन्वंतर में 52 देव 2 बार आए, इससे पहले चतुर्थ मन्वंतर में और 1 बार आए। तीनों टाइम क्या किया, कोई जाके योग में जाते और ये मांग करके अपने देवता पे देते। अगले मन्वंतर अभी तो वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, और वैवस्वत मनु का नाम है श्राद्ध देव, उनका नाम असल में श्राद्ध देव है और दूसरा नाम वैवस्वत। वैवस्वत मन्वंतर के बाद जो मन्वंतर आएगा 8वां मन्वंतर में भगवान क्या करेंगे, ये देवता से राज्य को छीन करके बोली महाराज को दे देंगे, ये इसमें दिखा रहे हैं, ये लघु भागवतामृत में। हाँ नहीं नहीं भगवान क्या करेंगे, राज्य ले लेंगे छीन करके देवता से, ले करके बोली महाराज को दे देंगे। ये देखा श्लोक भागवत से उद्धृत किया, फिर बनवा दी बनवा जी सिर चक्कर आ गया, लारी ऐसे होता है, भगवान तो सबसे देवता का पक्ष लेते हैं, क्योंकि बताए दो भूते स्वर्गीय लोक के अस्मिन दैव असुर एवच विष्णु भक्त भवे दैव असुरस्त विपर्जय। दो तारे के मेंटालिटी पीपल है, देव प्रकृति दानव प्रकृति, देव प्रकृति भक्त है, दानव प्रकृति अभक्त है। देखो क्या करें, जरूर उसमें कुछ कारण होगा कि देवता लोग अत्याचारी कुछ ना कुछ होगा, तो भगवान देव से छीन करके दैत्यों क्यों देंगे, दैत्य उनके अनुकूल होंगे, देवता प्रतिकूल तभी तो करेंगे। अगले मन्वंतर में यही होगा, आज यही तक गए जवादति वंशा कल्पतरु भश्च कृपा सिंधु भय वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसमें क्या हुआ, राधे राधे महाराज, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम।